So let's continue our topic, that is security features that is done by the firewall and what is IDS and IPS system. So if you are working as a forensic investigator and you are just doing some you are just performing or just providing some security assets to company as an administrative investigation, so in that scenario you have to implementation of firewall. So kaise karoge? तो उसके लिए सबसे पहले आपको फायरवॉल डिस्कस करनी पड़ेगी, लाइक व्हाट इज फायरवॉल, होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से हम फायरवॉल समझते हैं, क्या क्या चीजें फायरवॉल में, कितने टाइप से फायरवॉल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कितने टाइप की होती है. तो इन सबको डिस्कस करने के लिए सब लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फायरवॉल? तो फायरवॉल है क्या? अ फायरवॉल इज अ कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड टू फिल्टर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग और इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेटवर्क. जो भी फायरवॉल है क्या, बेसिकली एक फिल्टर आपका एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हम एक कुछ फिल्टर्स यूज करते हैं जो आने वाले पैकेट, इनकमिंग पैकेट्स और आउटगोइंग जाने वाले पैकेट्स के ऊपर कुछ इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स का यूज करके उस नेटवर्क को पर्टिकुलर सिक्योर बनाते हैं. अ फायरवॉल इज हैविंग अ डेटाबेस ऑफ सिग्नेचर फॉर द डेटा पैकेट मूविंग इनसाइड और आउटसाइड द नेटवर्क. फायरवॉल क्या करता है, इसके पास पूरा एक डेटाबेस है जो कि आने वाले पैकेट्स और जाने वाले पैकेट्स के सिग्नेचर्स को चेक करता है कि ये हमारे पैकेट जो है, अगर उसके जिस टाइप के आपने फिल्टर्स लगा रखे, मे बी दैट फिल्टर इज लाइक अलाउइंग फिल्टर या फिर आपको ब्लॉक फिल्टर हो सकते हैं या कुछ कंडीशनल फिल्टर्स हो सकते हैं, तो उनके बेसिस पे आपके डेटा पैकेट को रीड करेगा. अगर वो ऑन कंडीशन में है कि आने चाहिए, देन वो आपके ड्राइव वहां पे सेंड होंगे, रिसीव होंगे आपको, या आप जाएंगे या आएंगे, अदरवाइज वो पैकेट क्या हो जाएंगे, वहीं पे ड्रॉप्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे. तो ये जो बेसिकली वर्क होता है ये फायरवॉल के थ्रू करते हैं. द डेटा पैकेट मूविंग इन अ नेटवर्क ट्रैफिक हैविंग अ मैलिशियस कंटेंट कैन बी ब्लॉक्ड बाय द फायरवॉल अकॉर्डिंग टू द रूल सेट दैट इज क्रिएटेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. तो हमारा यहाँ पे बेसिकली काम क्या है एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, लाइक आप जब भी उस किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर अटैक हो चुका है, तो उसमें आप जहाँ का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हो, बताते हो कि आपको किस तरीके से, लाइक कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर का आप यूज करोगे जिसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर कंपनी को सिक्योर कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल. तो वो जो फीचर्स हैं, वो जो पर्टिकुलर फिल्टर्स हैं जो लगाने हैं आपको, या अकॉर्डिंग टू द कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी फायरवॉल आपके लिए बेटर रहेगी, ये भी आप बताते हो किसके अंदर, आपके फायरवॉल के अंदर. तो फायरवॉल के कई सारे टाइप्स भी होते हैं जो कि फायरवॉल काम किस तरीके करती है हम ये भी समझते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि आपकी फायरवॉल जो है वो किस तरीके से आपके डेटा पैकेट्स के ऊपर वर्क कर रही है. जैसे हमने डिस्कस किया, फायरवॉल जो है बेसिकली आपके डेटा पैकेट्स को, आने वाले और डेटा पैकेट जो जाने वाले हैं उनको क्या करती है, रीड आउट करती है. बट ये आपके जो रूल सेट बनाते हैं, सो वो रूल सेट जो आपके बनते हैं, या तो आपके आईपी एड्रेस के बेस पे हो सकते हैं, या तो आपके पोर्ट एड्रेस के बेस पे हो सकते हैं, या तो आप किसी प्रोग्राम के बेस पे हो सकते हैं. जो भी आप एप्लीकेशन वहाँ पे रन कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो, उसके बेस पर भी रूल सेट हमारे डिजाइन किए जा सकते हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाउ फायरवॉल वर्क्स, तो इन दैट सिनेरियो फायरवॉल आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट वर्क्स एज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर द डेटा अटेम्प्टिंग टू एंटर योर कंप्यूटर और नेटवर्क. यहाँ पे हमने या तो हम सॉफ्टवेयर बेस पे या तो हम हार्डवेयर बेस पे कुछ इस तरीके के फिल्ट्रेशन लगाते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं, जिसके बेसिस पे डेटा जो आता है या फिर डेटा जो जा रहा है उसके ऊपर आपके नेटवर्क के ऊपर सेम डेटा से हमें सिक्योरिटी मिलती है. फायरवॉल स्कैन पैकेट्स फॉर मैलिशियस कोड और अटैक वेक्टर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड एंड एस्टैब्लिश्ड थ्रेट्स. इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो फायरवॉल है वो स्कैन करती है पैकेट्स को, जिसके अंदर अगर कोई भी मैलिशियस कोड है या फिर कोई भी अटैकिंग कोड है, वेक्टर्स यूज करे गए हैं, तो ये ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई कर लेती है, थ्रेट्स को पता लगा लेती है. शुड अ डेटा पैकेट इज फ्लैग्ड एंड डिटरमाइंड टू बी अ सिक्योरिटी रिस्क, और उन डेटा पैकेट्स को एक तरीके से एक फ्लैग में डाल देती है, फ्लैग लगा देती है कि ये जो है वो सिक्योरिटी रिस्क में आपके सिस्टम को प्रेजेंट है, सिक्योरिटी रिस्क मतलब रिस्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्क आ रहा है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने उस चीज को हैंडल कर सको. द फायरवॉल प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क एंड रीचिंग योर कंप्यूटर. सो इस केस के लिए हमारे पास डिफरेंट लाइक जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको देखने के लिए हमने ऑलरेडी अभी देखा, सो लेट्स सी वन मोर थिंग, तो हमें उससे भी क्लियर होगा कि आपका वर्किंग प्रोसीजर जो है फायरवॉल का वो किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, वो बेसिकली किस तरीके से काम कर रही है. राइट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फायरवॉल. तो अगर हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ फायरवॉल दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स.
लाइक सबसे पहली आपकी होती है दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एंड द सेकंड दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल. सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, तो दीज आर द फायरवॉल व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज हैविंग अ रूल सेट ऑफ इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क दैट इज यू कैन से दैट विंडोज बेस्ड फायरवॉल, लिनक्स फायरवॉल या आईपी टेबल्स. जितनी भी आपकी लाइक जो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होती है, आपके सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होती है या फिर आप एक एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो. सो फॉर एन एग्जांपल जो आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल कहलाती है उसे होस्ट बेस्ड फायरवॉल भी बोलते हैं. तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल इज ऑल्सो नोन एज अ होस्ट बेस्ड फायरवॉल. जितनी में अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन होती है जो आपके विंडो डिफेंडर के साथ आपको मिलती है, वी कैन से दैट दिस इज अ फायरवॉल जो कि आपकी किस टाइप की है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल कहलाती है. ठीक है, तो हम देखेंगे इसके अंदर आईपी टेबल्स कैसे होती है, किस तरीके से हम यहाँ पे अपने रूल सेट्स को डिजाइन कर सकते हैं. हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की अगर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल. सो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इज अ पेरिफेरल व्हिच इज हैविंग अ सिस्टम बॉक्स एंड अ प्रोसेसर एंड गिविंग अस अ कॉन्फ़िगरेशन पैनल एंड हैविंग मोर एडवांस्ड फीचर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल. सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो काफी इजी भी होती हैं और इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, जबकि अगर हम हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल का यूज करते हैं तो वहां पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी हाई लेवल की होती है, जिसके बेसिस पे हम अपने पर्टिकुलर कोई भी फिल्टर लगाना चाहते हैं ओवर द नेटवर्क विद द डिफरेंट रूल सेट्स के थ्रू. सो वी कैन डू इट बिकॉज हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इज हैविंग अ ह्यूज कंट्रोल पैनल. तो वहां पे क्या है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पैनल आपका काफी लार्ज अमाउंट पे आपको मिलता है, लार्ज काफी बड़ा मिलता है, तो उसमें आप अलग अलग सेट्स के रूल सेट डिजाइन कर सकते हो. जिसके एग्जांपल के लिए जैसे कि आपके जुनिपर फायरवॉल हो गई, सॉफ्टसिस फायरवॉल हो गई, इंडियन फायरवॉल हो गई, या फिर आपके सिस्को की फायरवॉल आती है, फोर्टीनेट की फायरवॉल्स आती है, या फिर अमेजोन की भी फायरवॉल्स आती है. दीज आर ऑल द आपकी किस टाइप की कहलाती है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल. सो इफ यू आर गोइंग टू सी hardware based firewall, so just type a hardware based, yeah, even and you can type a like Cisco firewall and press enter. So आप यहाँ पे देखोगे कि Cisco के कई सारे firewall ये आपको दिखाएगा, जिसमें आप अलग अलग firewalls यहाँ से देख सकते हो. Now look at here, this is a Cisco firewall जो कि यहाँ पे use हो रही है, इस तरीके की आपको दिखती है ना. तो अलग अलग टाइप के हैं, इनकी अलग अलग कॉस्टिंग होती है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पैनल, अलग अलग लाइक आपके चैनल्स की आती है ये कि कितने चैनल. जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 चैनल्स की है. ऐसे अलग अलग चैनल्स के ऊपर आती है कि आप किस तरह फायरवॉल के अंदर कि आप कैसे उसे कॉन्फ़िगर करते हो. दूसरी अगर हम बात करें लाइक फोर्टीनेट की फायरवॉल्स आती हैं, यू कैन ऑल्सो यूज अ फोर्टीनेट फायरवॉल. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली यूजिंग अ फोर्टीनेट एज वेल एज द सिस्को फायरवॉल्स. तो आप फोर्टीनेट की फायरवॉल यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसके अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं. तो नाउ जस्ट लुक एट हियर कि ये फोर्टीनेट की फायरवॉल है, इट इज लुक्स लाइक अ राउटर बट एग्जैक्टली इट्स नॉट अ राउटर, इट्स बेसिकली अ फायरवॉल. इट्स ऑल्सो लुक्स लाइक अ हब बट इट इज नॉट अ हब, राइट. सो वहां पे क्या है कि आपकी ये क्या कहलाती है, ये फायरवॉल. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज आल्सो हैविंग अ 7 चैनल्स, राइट. तो यहाँ पर भी है आपके, तो अलग अलग लाइक कॉन्फ़िगरेशनल है, आप जिस तरीके से यूज करना चाहते हो. कितना प्राइस जो है वो वेरीज करता है. फायरवॉल जो है आपकी लाइक 4,000-5,000 या मिनिमम जो है आपकी 5,000+ में आती है, और उसके बाद अगर आप हाईएस्ट जाना चाहोगे तो ये लैक्स के ऊपर भी निकल जाती है. तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप की फायरवॉल को वहां पे यूज कर रखा है. So let complete. तो ये था आपका फायरवॉल्स के टाइप्स जो हमने यहाँ पे देखे. Now let's discuss about the other types of firewall. कुछ और टाइप की फायरवॉल है जिनको हम तीन टाइप की बोलते हैं. जैसे कि आपका अदर टाइप ऑफ फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आती है, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल आती है, जिसे हम प्रॉक्सीज फायरवॉल भी बोलते हैं. एंड जो थर्ड होती है दैट इज अ हाइब्रिड फायरवॉल. पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, इसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ये रखती है, कैप्चर करती है. व्हेन द फायरवॉल यूजेस अ पैकेट फिल्टरिंग, द पैकेट अटेम्प्ट टू एंटर इन द नेटवर्क आर रन अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ द फिल्टर्स. These filters remove the packets that mask certain identification threats and allow the other through of their intended destinations. मतलब
जब भी अगर आपको पता है कि पैकेट्स क्या होते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि पैकेट जब सेंड किए जाते हैं तो उसके अंदर आपके पैकेट का सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। तो ये बेसिकली जो है उस पूरे पॉपअप को चेक करती है एंड उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करती है कि इसके अंदर आपके कितने पैकेट जा रहे हैं, पैकेट के ऊपर क्या क्या वहां पे सेट हो रखा है, यानी कि उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट को चेक करना। दिस इज द मेन टारगेट ऑफ द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, राइट। नेक्स्ट होते हैं आपके एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, जिसे हम प्रॉक्सी फायरवॉल से बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन फायर प्रॉक्सी आर कॉन्फिगर्ड इन मल्टी होम सर्वर्स एंड दे आर ऑफन यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ द राउटर बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोलर टू प्रिवेंट ट्रैफिक फ्रॉम पासिंग डिफरेंट डायरेक्टली बिटवीन नेटवर्क्स। जो भी डेटा पैकेट जा रहा है उसको डायरेक्टली सबसे पहले कैप्चर करती है, किसके बीच में आपके कंट्रोल लिस्ट ट्रैफिक को कैप्चर करने का काम करती है, राउटर्स और कंट्रोल के बीच में। एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल्स function at a application level. At the level you can block or control traffic generated by the application, and application level firewall can enforce correct application behavior and can help to block malicious. ये करता क्या है कि जैसे प्रॉक्सी फायरवॉल ने केवल हेडर को रीड आउट किया, जबकि हेडर के साथ कंटेंट भी है, तो कंटेंट वाला बॉडी पार्ट जो है उसको रीड आउट करना और उसके अंदर कोई मैलिशियस कोड तो नहीं जा रहा, इसको रीड आउट करना किसका काम होता है, एप्लीकेशन फायरवॉल को, जो हम प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल भी बोलते हैं। अगर इन दोनों के हम कॉम्बिनेशन की फायरवॉल लें तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड बेस्ड फायरवॉल, जिसके अंदर दोनों चीजें आती हैं। अ हाइब्रिड फायरवॉल मे कंसिस्ट ऑफ अ पैकेट फिल्टर कंबाइंड विद एन प्रॉक्सी एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल और सर्किट गेटवे कंबाइंड विद एन एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल। तो यहाँ पे क्या है कि आपके एप्लीकेशन फायरवॉल एंड प्रॉक्सी फायरवॉल दोनों को प्लस आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, दोनों तरीके फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, उस तरीके फायरवॉल को बोलते हैं हाइब्रिड फायरवॉल। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इज यूजिंग अ हाइब्रिड टाइप ऑफ फायरवॉल सिस्टम, जिससे वो अपने सिस्टम को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो लेट्स सी किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं। So after that, let's discuss about the IDS and the IPS system. कि IDS system क्या है आपका, IPS system क्या है, ठीक है? So if we are going to talk about the IDS, IDS stands for Intrusion Detection System and it is a software or a hardware based program which detects every suspicious activity and create a log for it. It can also create a log and send immediately to the network administrators so that they can find out their intruder in our network. So IDS करता क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है जो कि डिटेक्ट करता है सस्पिशियस एक्टिविटी जो भी आपके क्रिएट हो गई है, आपके सिस्टम के अंदर आने वाली है या नेटवर्क के अंदर एंट्री ले रही है, उनसे रिलेटेड एक लॉग फाइल बनाएगा, उस लॉग फाइल को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर देगा जो भी उसने ईमेल आईडी वहां पे दे रखी होगी। सो ये सेट भी कौन करता है, ये भी आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सेट करता है। यूटीएम सिस्टम्स का भी यूज किया जाता है इसके लिए, जिसके लिए अलग अलग टाइप के रूल सेट क्रिएट किए जाते हैं। इट कैन बी डिटरमाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक सच एज NIDS नेटवर्क बेस्ड हो सकता है IDS सिस्टम, होस्ट बेस्ड हो सकता है IDS सिस्टम, या फिर आपके वायरलेस बेस्ड हो सकता है IDS सिस्टम। तो अलग अलग टाइप के बेस सिस्टम से आपके IDS सिस्टम को डिटरमाइन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक हाउ द IDS सिस्टम इज बेसिकली वर्क, सो लेट्स सी कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से IDS सिस्टम जो है वो आपका काम कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साथ। तो हमने जो अपना ये IDS एंड IPS देखा है, इसके बेसिस पे अब हम अपने इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा काम करता है।
आपको करना क्या है, जस्ट ओपन द फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटीज. यहाँ पे आपको रूल सेट्स मिलेंगे, तो सबसे पहले एक बार कॉन्फ़िगरेशन पैनल देख लेते हैं जिसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं. जैसे कि इनबॉक्स रूल सेट्स हैं आपके पास, जिसमें जितने भी आपके पैकेट जो है फायरवॉल की तरफ आ रहे हैं उन पैकेट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो उस केस में आपके अपाचे सर्वर के ऊपर लगाए गए हैं अलग अलग जितने भी लाइक .comet.exe के ऊपर लगाए गए हैं, अलाउ किए गए हैं अलग अलग टाइप के रूल सेट्स यहाँ पे हमने डिजाइन करके रखे हैं. आप इन रूल सेट्स को अलग अलग पे डिजाइन कर सकते हो, जैसे ग्रुप वाइज है, प्रोफाइल वाइज है, इनेबल है कि नहीं है, नो और यस का ऑप्शन होता है. प्रोफाइल में तीन तरह की प्रोफाइल्स होती है यहाँ पे, एक तो प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, एक डोमेन बेस्ड प्रोफाइल होती है, या फिर आप चौथी ले सकते हो जिसमें ऑल तीनों टाइप के एक साथ कंफिगर कर सकते हो. ओवरराइड ऑप्शंस है यहाँ पर, प्लस प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम के ऊपर लगाया गया है तो प्रोग्राम का पूरा पाथ आता है यहाँ पर. लोकल एड्रेस यहाँ पे कोई अगर डिफाइन किया गया है तो वो हो सकता है, रिमोट एड्रेस अगर कोई डिफाइन किया गया है तो वो हो सकता है, प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, लोकल पोर्ट नंबर कौन सा है और उसका रिमोट पोर्ट नंबर कौन सा है. इवन एंड कुछ चीजें और भी है जैसे कि अलाउ यूजर्स कौन कौन से है इसके लिए, आप वो भी देख सकते हो. तो मल्टीपल होते हैं, सेम आपके आउटबाउंड रूल सेट्स के अंदर भी होते हैं जिसमें हम आउटबाउंड रूल सेट्स को चेक कर सकते हो और उसके बेसिस पर भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पे किस टाइप के रूल्स डिजाइन किए गए हैं. अब हम इसमें करते क्या है, हम इसमें बेसिकली रूल सेट बनाते हैं जिसमें हम इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों को बनाएंगे. तो मैंने एक रूल सेट यहाँ पे डिजाइन किया है, क्रिएट अ न्यू रूल सेट. आप किस किस पे बना सकते हो, प्रोग्राम बेस्ड, पोर्ट नंबर पे डिफाइंड है, कस्टम बेस्ड, जैसा आपको चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट दैट इज अ पोर्ट नंबर बेस्ड एंड देयर इज क्लिक टू नेक्स्ट. पूछ रहा है टीसीपी के बनाऊं या यूडीपी के लिए, ऑल पोर्ट्स के लिए या फिर आपके स्पेसिफिक पोर्ट. मैंने कहा जी स्पेसिफिक बनाऊं और हम यहां पे चेक कर रहे हैं तो आई एम जस्ट यूजिंग है 443 एंड 80 पोर्ट नंबर फॉर द टेस्टिंग पर्पस एंड जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट. नेक्स्ट करोगे तो कह रहा है अलाउ करना है या कोई सिक्योरिटी कनेक्शंस में इसको डालना है कस्टमाइज करने के लिए या ब्लॉक करना है. मैंने कहा जी ब्लॉक करो, नेक्स्ट करो. किस पे, डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक, तीनों नेटवर्क पे है एक एक पे या किसी एक पे. मैंने कहा तीनों पे आप कर दो. नेक्स्ट करा, यहाँ पे नाम देना है तो मैं नाम देता हूँ HTTP ब्लॉक. डिस्क्रिप्शन इट्स अप टू यू, देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते आपकी मर्जी है. जब आप फायरवॉल का रूल सेट बनाते हो तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है. नाउ जस्ट क्लिक टू फिनिश एंड फिनिश के बाद यहाँ पे बनके रेडी हो गया. अब आप अपना ये ओपन कर सकते हो कोई सा भी ब्राउजर जो भी है आपके पास. एंड ब्राउजर ओपन करके आपको नॉर्मली यहाँ पे जो अपना पेज है उसे एक्सेस करने का ट्राई करना है. तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाके गूगल लिखता हूँ, google.com एंटर करता हूँ. सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, अभी आपका google.com एक्सेस हो रहा है बिकॉज हमने किस पे बनाया है, आउटबाउंड रूल्स के ऊपर बना रखा है, ठीक है, जो हमारे पैकेट्स हैं. अब हम बनाएंगे इसको इनबाउंड रूल्स के ऊपर. तो मैंने यहाँ पे न्यू फॉल दोबारा से बनाया, ठीक है, और पोर्ट नंबर लिया, पोर्ट नंबर के बेस पे इसको नेक्स्ट किया. TCP specific, मैंने कहा जी 80 पे करो एंड 443 पे करो, ठीक है. नेक्स्ट किया, नेक्स्ट ब्लॉक करना है, ब्लॉक एंड तीनों पे नेक्स्ट. HTTP इसको भी हम नाम दे देते हैं HTTP ब्लॉक एंड नाउ जस्ट क्लिक टू फिनिश. Finish हुआ, rule set design हुआ. Now let's go to the google.com and refresh the page again. तो जैसे आप यहाँ पे refresh करते हो और ये फिर से access हो गया, क्यों हो गया? Okay, let's try over this machine. एक बार इस पे try करके देखते हैं. Firewall, outbound rules. Now create a new rule. पोर्ट नंबर एंड यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया. टीसीपी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे दिया 80443. नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट. ब्लॉक द कनेक्शन, ओके ओके एंड दे दिया टीसीपी फिनिश. एक रूल सेट बन गया, ओके. एक्सेस करके देखते हैं.
उसमें कुछ प्रॉब्लम थी वहां पे, रूल सेट वो बना नहीं थी फायरवॉल, शायद कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज करी थी, सदस्य से उसने रूल सेट नहीं सेट कर रहा है वो, कोई नहीं, इस पे आपका सेट कर रहा है तो अनेबल टू कनेक्ट अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इस रूल सेट को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल रूल सेट अवेलेबल है बट डिसेबल है, और मैंने यहाँ पे ओके किया, नाउ यू कैन एक्सेस द लिंक। तो आप इससे क्या कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से कन्फिगर कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस करने हैं इसके अंदर तो आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके आप लाइक प्रोग्राम या सर्विसेज किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर करना चाहते हो तो जब ब्राउज द प्रोग्राम आप उसके ऊपर सेट कर दो तो केवल उसी के ऊपर काम करेगा ये। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाई लाइक पास आउट देना चाहते हो एडवांस, ओके अलाउ, और नाउ कंप्यूटर, अगर आप चाहते हो कि किसी कंप्यूटर के आईपी वगैरह ऐड करना चाहते हो उसके ऊपर देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो यहाँ से। एडवांस में जाओगे तो डोमेन स्पेसिफिक बता रहा है, प्रोग्राम हो गया प्रोटोकॉल्स एंड रन जिसके ऊपर आपने हमने रन कराई थी, ऑल प्रोटोकॉल्स या स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, आपको स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यहाँ पे भी किस पे दे, रिमोट पे दे, आप लोकल पे सेट करना चाहते हो लोकल पे भी सेट कर सकते हो। सो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जिनको आप सेट करके अप्लाई करते हो तो आपकी फायरवॉल जो है वो एक्टिव हो जाती है और रूल सेट को डिजाइन करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है? बढ़िया। सो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन थी, अब इसी तरीके से हम और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो कि अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज टुमारो, राइट। सो कल देख मिलते हैं और इसके आगे का पार्ट कवर करते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय।